देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से प्रभार संभाला और फिर से एक नए विवाद में आ गए। आपको बता दें कि पटना के डीएम चंद्रशेखर ने छुट्टी की घोषणा की थी, प्रथम वर्ग से लेकर के अष्टम वर्ग तक के विद्यार्थियों का क्लास जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ठंडी को देखते हुए, जिसके लेकर के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये कहा कि ये गलत है और विद्यालय खुलनी चाहिए। इसके बाद जो है मामला काफी गहरा गया और काफी राजनीति जो है इस पर होने लगे। इस पर चंद्रशेखर ने भी यहां तक कह दिया कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है कि मैं फैसला ले सकता हूँ। आइए सुनते हैं इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आप एक बात समझिए कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है, और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता है, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशीराम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा होता साथ में काशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। वो आप लोगों का, आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं, उसमें हम हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। चलिए, तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, क्या महागठबंधन इंटैक्ट है? तो आपने सुना, जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि चंद्रशेखर और के पाठक के बीच एक बार फिर से विवाद गहराता दिख रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि ये सब आप लोग का बनाया हुआ खबर है और आप लोग ही खबर बनाते हैं और आप लोग ही खबर जो है खराब करते हैं यानी बिगाड़ते हैं, ये देखने के नजरिए की बात है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सभी सामंजस्य तरीके से शिक्षा विभाग में चल रहा है और अच्छे से कार्य हो रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।